तो आप विश्वास नहीं करोगे, इन शॉर्ट हमने 12 घंटे में हमने अपनी बाइक 223 किलोमीटर चला भी ली। रोड पे जितने लोग हैं सब अपनी बाइक देख रहे हैं भाई। ओह माय माय। क्या बढ़िया मौसम हो रखा है आज गुड़गांव का, बढ़िया ठंडा ठंडा। और आपको मस्त नज़ारे दिखाते हैं, वो देखो अपने दोनों जिगर के टुकड़े खड़े हैं, दिख रहे हैं? इधर खड़ा अपना कालू और इधर खड़ी है अपनी बीमर। BMW को बीमर भी बोलते हैं भाई। क्या दोनों प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेहतरीन जिसको बोलते हैं। सो वेल, हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली फाइन। तो भैया कल अपन अपनी नई नई BMW ले आए थे, पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। आज जो है काफ़ी सारे काम कराने हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम बताते हैं, सुबह का 7 बज रहा है। कल मैं रात में 3 बजे सोया था और 6 बजे के आसपास फिर से उठ गया आज, क्योंकि मैंने ब्लॉग खत्म किया पिछला वाला। तो अभी यार 2-3 काम कराने हैं। पहला तो ये कि इस बाइक की जो नई वाली बाइक है ना BMW, उसके सारे फीचर्स पता करने हैं। यार मेरे को उन्होंने कल बताया था बट मैं मोस्टली फीचर मेरे को याद नहीं है, तो एक एक करके चल के टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है बाइक की पूजा करानी है चल के। तो अभी 7 बजे पता नहीं मंदिर में होगी पूजा की नहीं होगी, बट चलते हैं, पास में बढ़िया सा मंदिर है तो वहाँ चलेंगे और पूजा कराएंगे। और उससे पहले एक एक्सेसरी भी इंस्टॉल करनी है अपनी बाइक की, पहली एक्सेसरी जो हम खुद इंस्टॉल करेंगे, और वो है डिस्प्ले का जो टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, वो टेम्पर्ड प्रोटेक्टर वो। और लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हम एक और काम करेंगे, वो है कि पहले थोड़ी देर इस बाइक को मस्त चलाएंगे चल के। तो बस फिर लेट नहीं करते हैं और सीधा निकलते हैं, नीचे पहुँचते हैं। ये ना देखो अपनी दोनों प्यारी प्यारी बाइकें यहाँ खड़ी हैं। पहली बाइक अपनी कालू होंडा सिवी 500X और दूसरा अपना बीमर। अभी इसका जो नंबर है ना वो टेम्परेरी है यार। एक्चुअली दिल्ली में आजकल रूल ये है कि दिल्ली से जो गाड़ियाँ निकलती हैं ना, अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो नंबर वंबर प्लेट लगा के प्रॉपर पूरा रेडी करके देते हैं, बट अगर आप हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो यानी कि गुड़गांव का या कहीं और का, तो फिर टेम्परेरी नंबर काफ़ी दिन चलाना पड़ता है आपको, लगभग 15-20 दिन। उसके बाद फिर आपका परमानेंट नंबर आता है, नंबर प्लेट आती है, तब आप लगवा सकते हो। तो फिर मैंने फिर टेम्परेरी नंबर प्लेट लगवा ली, और इसका भी ना 2000 रुपये लगता है यार टेम्परेरी नंबर का। तो अभी क्या करते हैं, जल्दी से इस बाइक को नीचे खड़ा करते हैं चल के, फिर इस पर लगाते हैं अपनी टेम्पर्ड ग्लास। तो ये जो है अपना क्लस्ट कोड का नैनो ग्लास है, 9S टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या फीचर है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये BMW बाइक्स के लिए ही है। इसका जो प्राइस था ओनली 300 रुपीज़। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो देती हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो होती हैं ना, जो ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज बनाती हैं, वो 3000-4000 का देती हैं, अपन ने 300 रुपये का मंगाया। देखो अभी मस्त लगाते हैं। सबसे पहले तो भैया ये पन्नी हटाने का टाइम आ गया है, जो BMW वाली है इसमें देखो बबल आ रखे हैं। तो भैया जय बजरंग बली, हाय 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 हाय। नाउ यू जस्ट लुक एट द डिस्प्ले, भाई साहब जहर दिख रहा है बिल्कुल। ओए अब जल्दी से इसको लगाते हैं यार, देखें इसमें क्या क्या है। इतना सामान रखा मैंने, खोल के तक नहीं देखा है एक्चुअली में। ये क्या है? अच्छा ऑक्सिलरी टूल्स हैं भाई, क्लीनिंग क्लीनिंग वाले। और ये है हमारा डिस्प्ले प्रोटेक्टर, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। दिस इज़ बैक, वैसे तो बोला है कि इसको क्लीन कर दो, बट इसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी बहुत साफ है। अभी देखो अपना ये लग गया है टेम्पर्ड ग्लास, काफ़ी ठीक लग गया है। तो अगर बबल बन गए होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। अभी अपन इसको निकालते हैं, इसका जो सेकंड साइड है। कमाल की बात है कि एक बबल छोटा सा बन गया है और वो बबल हमने निकाल दिया है। कमाल का लग रहा है डिस्प्ले, अभी बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया है, जैसी उम्मीद थी, मस्त बिल्कुल जिसको बोलते हैं। ये देखो अब मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें, मस्त। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ओ वाह, अब जरा डिस्प्ले देखने में मज़ा आ रहा है यार। अरे हाय हाय हाय, क्या आवाज़ है, शानदार आवाज़ है भाई। अभी ना इसके मेरे को पूरे फीचर्स सीखने थे, पहले बाइक चला के आते हैं फिर थोड़ा फीचर्स देखें क्या है। हर चीज़ ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हैंडल कैसे लॉक होता है इसका, लेकिन चलाने में गुरु पूरे मज़े आ रहे हैं। मतलब जितनी बार मैं बैठ रहा हूँ ना ऐसा लगता है वाह क्या चीज़ है। अभी देखो बाइक से घूमने के दो कारण है, पहला तो ये कि भाई मेरा घर पे मन ही नहीं लग रहा, पूरा दिन मेरा मन होता है कि मैं ना बाइक पे बैठा रहा हूँ, और दूसरा ये जितने जल्दी 1000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे
हॉर्न तो बहुत ही बेकार है इसका, उतने जल्दी अपन इसमें इसकी सर्विस करा लेंगे और उसके बाद अपन निकल लेंगे नई राइड पे। क्या भग रही है यार। अभी क्या है, अपन जो है फरीदाबाद रोड की तरफ चलते हैं, आज वहाँ बढ़िया व्यू अच्छा आता है मंदिर का। यार अभी मैंने पता किया था तो मंदिर थोड़ा लेट खुलता है, तो अपन पहले घूम के आते हैं फिर चलेंगे पूजा करवाने आराम से। क्या प्यारा लग रहा है यार डिस्प्ले जब से मैंने ये लगा दिया नया। मैन 100 तो भाई साहब ये ऐसे पहुंचती है, और ये क्या है उल्टा नहीं आने करे बाबा। धूप काफी तेज हो गई है, 6th गियर में ये 5th आरपीएम पे भी 150 तक चली जाती है। और लोगों का रिएक्शन देखो मेरी बाइक को लेके, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्या बात है। नया डायलॉग आ गया भैया, लाइट कर लो डिमर, आ रही है बीमर। क्या बात है। और बताओ भाई लोग, मौत चल रही है कि नहीं चल रही भैया? मौत चलती रहनी चाहिए, और अपनी तो आजकल कुछ ज्यादा ही मौत चल रही है, मजे आ रहे हैं। तो भाई नई नई बीमर के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। क्या मजे आ रहे हैं यार इसको चलाने में। कल तो रात थी, बहुत ट्रैफिक था, तो मैं उतना खुल के चला नहीं पा रहा था। आज अपन इसको चलाते हैं जरा। अभी क्या, कल ना मेरे को इसको क्रूज कंट्रोल मेरे से लग नहीं रहा था, आज अपन ट्राई करते हैं। तो 75 km/h पे अपन ने क्रूज सेट कर दिया है ना, अपन एक्सेलेटर छोड़ेंगे और बाइक चलती रहेगी 75 km/h में। अगर बढ़ाना है तो मैं थोड़ा, अच्छा इधर ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ घटता है। ओह नाइस, कल मेरे से लग नहीं रहा था, आज लग रहा है यार, चलो ये अच्छा हुआ। विंड ब्लास्ट भाई जब इसको ऊपर कर लो ना, ऊपर की सेटिंग में बहुत कम विंड ब्लास्ट है इस बाइक पे। हेलो भैया, ये वार्निंग आ गई, टैंक रिजर्व लेवल रीच्ड। कल 1000 रुपये का तेल डलाया था पूरा स्वाहा। माइलेज पता कितने का दे रही है अभी ये, 16 km/l का। इसको ख़त्म कैसे करना है, अच्छा हाँ लेफ्ट कर देता हूँ, डन, सीख गया हूँ मैं धीरे धीरे। लो जी अभी अपन आ गए साइबर हब। तो अभी क्या, बाइक रिजर्व में आ गई है, तो अपन इसमें ना पेट्रोल भराएंगे और आज अपन इसकी टंकी फुल कराएंगे, सो दैट पता चले कि रिजर्व में आने के बाद इसमें कितना पेट्रोल आ जाता है। बस मेरे को ये नहीं पता कि पेट्रोल पंप है कहाँ, हालांकि भी 81 किलोमीटर्स की रेंज है। भाई इसका जो सस्पेंशन है ना, गजब का है, गजब जिसको बोलते हैं। माय गर्दा गर्दा भाई, भैया गर्दा, धक्के वक्के तो पता ही ना लग रहा है इसमें बिल्कुल भी। आप लोग जरा कमेंट करके बताना कि अभी कॉकपिट व्यू बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है या कुछ और चेंज करने की जरूरत है मेरे को, लाइक डिस्प्ले अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है धूप में बढ़िया, ये जरूर बताना। अरे यार पेट्रोल पंप सब निकले जा रहे हैं, इधर भी पेट्रोल पंप था HP का। भाई क्या भाग रही है। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को शब्दों में क्या मेरे जहन में अभी चल रहा है सीरियसली। अभी हम अपन आ गए हैं मोस्ट फेमस गुड़गांव फरीदाबाद रोड। आगे इस पे अभी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग गया है, क्योंकि भाई कुछ सुपर बाइकर्स बहुत ही तेज भगाने लग गए थे, तो फरीदाबाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आजकल ट्रैफिक रहने लग गया, पहले रोड ना बिल्कुल खाली पड़ रही थी सुबह सुबह,
वैसे 8 भी बजने वाला है यार, हम भी इतना जल्दी नहीं आए हैं। अरे गंदी रोड, अपनी बाइक नहीं जाएगी गंदी रोड होगी यार। ये लो भाई, इस तरफ ही मिल गया पेट्रोल पंप। यहाँ देखते हैं बाइक में कितनी जगह। अरे बाल्टी में पेट्रोल भर रहा है, ऐसा कौन करता है यार। तो भैया बाल्टी में पेट्रोल क्यों भर रहे हो? वो टेस्टिंग हो रहा है। अच्छा एक बाल्टी ले लेते हो पूरा? सारे में से सब नोजल, जितना नोजल है ना। हाँ। सबसे एक पाँच पाँच लीटर है। तो आज मतलब टेस्टिंग हो रहा है, तो आज अच्छा पेट्रोल होगा बिल्कुल है। अब इसका आप टैंक फुल कर दो, लेकिन भैया बिल्कुल प्यार से डालना, फैलाना मत, ठीक है भैया? बहुत तेल पी लेती है तो। 19 लीटर अभी भी गुंजाइश होगी, बट इतना ही भर दो रहने दो बस। टोटल तेल आया एग्जैक्ट 19 लीटर है ना। तो भाई इसमें जब ये रिजर्व में आ जाती है ना, जब मतलब 60-70 किलोमीटर की रेंज बचती है, ऑटो कट में इसमें तेल बचता है अराउंड 23 लीटर का इसका टैंक है, 23 का है 24 का, तो 4 लीटर तेल अभी बचा था, 19 लीटर तेल आ गया पूरा। भाई काफ़ी बड़ी टंकी है इसकी। टंकी हो गई अपनी फुल, अभी कोई टेंशन नहीं। अभी ना मतलब मैं इस बाइक को अडेप्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं, जैसे कि इसका एक्सीलरेशन जो है ना काफ़ी अलग है कालू के कंपैरिजन में। उसमें ना वायर वाला एक्सीलरेटर है, इसमें ना राइड बाय वायर है, तो इसका रिस्पांस ना थोड़ा मतलब बहुत फास्ट नहीं होता। आप एक्सीलरेटर लेते हो, थोड़ी देर बाद रेस आती है, माइक्रो सेकेंड्स का ही गैप है, बट है तो उससे ना कई बार हो रहा है मेरे से। कल ना ये 2-3-4 बार बंद हो गई, स्टॉल हो गई बाइक। मैं कहा यार ये क्या दिक्कत है साला, इतनी बड़ी बाइक वो भी बंद हो जा रही है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, इन शॉर्ट हमने कितनी देर में, 12 घंटे में हमने अपनी बाइक 223 किलोमीटर चला भी ली है डिलीवरी लेने के, और अभी घर पहुंचते पहुंचते लगभग 240 किलोमीटर हो जाएगी। ट्रैफिक में इसको बंद करना बहुत ज़रूरी नहीं, ऐसी हीट फेंकती है ना भाई, ये रुला दे आपको। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं गुड़गांव शहर, और अपना घर आने वाला है। अरे अरे बच्चे ना ही, चलो लोहे की रॉड लेके पता नहीं क्या घूम रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। चलो यार घर पहुंचते हैं, आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया, जो मैंने कल सीखे हैं, मेरे को पता ही नहीं था। अरे 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 भैया ऐसा मत करो, वो कहते हैं ना मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत जो है। ले तो ली बाइक, लेकिन मेरे को पता नहीं इसमें क्या क्या है, मैंने कल कुछ सीखा है, बाकी अभी बहुत कुछ सीखना है। जैसे क्रूज़ कंट्रोल मेरा कल चल नहीं रहा था, आज चला फाइनली। मैं कल टेंशन में आ गया था, मैंने कहा भाई क्रूज़ कंट्रोल, नई बाइक लेते ही क्रूज़ कंट्रोल ख़राब हो गया। बट फाइनली आज क्रूज़ कंट्रोल चल गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाइक का लॉक कैसे होती है। जब मैं लेके आया ना, उन्होंने बताया था, मैं भूल गया था कि लॉक कैसे होती है। इसको आप हैंडल यहाँ करो ऐसे, और अभी इग्निशन ऑन है, फिर एक बार पुश करोगे इग्निशन ऑफ हो गया है ना। अब आपको इसको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर एक आवाज़ आती है। अभी देखो हैंडल लॉक नहीं है, ऐसे खुला हुआ है, अभी देखना की आवाज आई, नाउ हैंडल इज लॉक्ड। मतलब खतरनाक फीचर था भाई। और मैं इसमें ना जब आया तो मैं परेशान हो गया, फिर मैंने मैनुअल निकाला, मैनुअल पढ़ा, तब मेरे को पता चला। अनलॉक करने के लिए भी सेम है, आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, अनलॉक हो गई देखो है ना। अब आपको माई व्हीकल में दिखाता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। अगले टायर में 31 PSI हवा है, पिछले टायर में 35.9 PSI हवा। अभी 457 किलोमीटर की रेंज बची है, सर्विस का एक इंडिकेटर इन्होंने पहले दे दिया, तो इसमें कई सारे टैब हैं। ये देखो अब मेरा ट्रिप वन जो है, ये देखो ये ट्रिप वन है, क्या मस्त दिखाया है। तो टोटल 237.7 किलोमीटर मैंने चला लिया है, अराउंड 20 का माइलेज आया है, जो कि यार मेरी उम्मीद से बढ़िया है। स्टार्टिंग के 3-4 घंटे उसने 16 का माइलेज दिया था, आज हाईवे पे चलाई तो थोड़ा सही माइलेज दिया है। उम्मीद है सर्विस जब हो जाएगी तो ये 22 का माइलेज देने लगेगी। तो अब बस एक काम रह गया, वो है पूजा कराना, बाकी लुक्स तो भाई सब खतरनाक है। अभी क्या एक्सेसरीज अपनी आ गई, अपन ये वाले फ्रेम निकलवा देंगे, ऑल्दो ये देखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्योर स्टेनलेस स्टील है, बट अपने को निकलवाने पड़ेंगे क्योंकि 2 लाख रुपए के BMW पाइनियर अभी अपन नहीं खरीदने वाले हैं, 1.7 लाख के। तो आज अपन ये निकलवा देंगे और उसकी जगह अपने GV वाले फ्रेम लगवाएंगे, जो कि ऑलरेडी आ रखे हैं। तो यार अभी अपन चल रहे हैं पूजा कराने, आप लोग कंफ्यूज मत होना यार, दो ब्लॉग्स ना आपस में मिक्स हो गए हैं। पहले मैं सुबह ये वाला ब्लॉग बनाया, उसके बाद मेरे को कॉल आ गई कि एक्सेसरीज लगवा लो, तो मैंने एक्सेसरीज लगवा ली और उसका अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी क्या है, मंदिर में सुबह पूजा नहीं हो पाई थी, मैंने आपको बताया था ना। लो जी अपन पहुंच चुके हैं मंदिर, स्टार्ट कर दूं इसको पंडित जी? हाँ स्टार्ट कर दीजिए, मतलब इंजन ऑन कर दूं?
मेरी बाइक की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। अभी शर्त यह है कि पंडित जी ने कहा है इंजन बंद नहीं करना है, और बाइक जब स्टार्ट करनी है तो आगे की डायरेक्शन में ही ले जानी है, पीछे की डायरेक्शन में नहीं ले जानी है। चलो, कितनी अच्छी लग रही है यार पूजा होने के बाद, गियर डाला आगे ही बढ़ानी। अब बाइक का सारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा हो गई। अब अपनी बाइक बिल्कुल लाखों लाख किलोमीटर बिल्कुल बढ़िया चलेगी। रोड पे जितने लोग हैं सब अपनी बाइक देख रहे हैं भाई कह रहे क्या बात है, नई नई बाइक आई है बिल्कुल चमचमाती हुई। वैसे आपने इस ब्लॉग में थोड़ी बहुत एक्सेसरीज तो देख ही ली, बट कोई बात नहीं, आपको फ्रेश दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली यार अपनी बाइक की पूजा भी हो गई मस्त, और दिल खुश हो गया और बढ़िया सब संपन्न हो गया। सुबह सुबह घूम भी लिया, उसके बाद पूजा भी करवा ली, मतलब काफी कुछ कर लिया मैंने आज। अब जो है नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि जो जो एक्सेसरीज लगवाई ना, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज लगवाई, बट उसका अलग से व्लॉग बनाएंगे पूरा, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के। थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो आपको मिल ही गया होगा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दो व्लॉग ना मर्ज हो गए एक दूसरे में। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बेहतरीन एक्सेसरीज दिखाएंगे, उसके बाद बस फिर नेक्स्ट अब राइडिंग स्टार्ट होने वाली है, और बहुत ही जल्दी भयंकर बड़ी राइड पे चलेंगे। मतलब हाइनेस से गए, CV500X से गए, कालू से गए, तो भैया फिर बीमार से चलना तो बनता ही बनता है। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट दिखाते रहना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।